Hello students, you are welcome in online science class for 10th. We are studying on structure of leaf structure. Students, first of all, cuticle is a back seat layer present on upper side of epidermis. Second is epidermis. Third is a mesophyll layer. Mesophyll layer is divided into two parts, pellucid tissue and spongy tissue. This is pellucid tissue. This inner pellucid tissue, chloroplast. Chloroplast is present in pellucid tissue. And inner spongy tissue is a vascular system. Xylem and fluid is also present. Next is a lower epidermis. In a lower epidermis, stomach, top region. Sequence of abdomen strength, samajhne wali baat ye hai ki cuticle layer hoti hai, upar wali layer, uske just niche epidermis layer, epidermis ke niche pellucid tissue. Pellucid tissue mein chloroplast present hota hai. Chloroplast ke niche spongy tissue. Spongy tissue mein xylem aur phloem present hote hain. स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है, वो लीफ का स्ट्रक्चर है. लीफ के स्ट्रक्चर का ये टीएस है, टीएस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर. जब हम देखते हैं तो कुछ स्टेप से शो होता है. तो स्टूडेंट्स, ये लीफ के बारे में स्ट्रक्चर था. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, स्टोमेटा के बारे में हमने बताया, वो सब कुछ यहाँ तक कंप्लीट होता है. अब हम जो डिस्कस करेंगे, अब जो बात करेंगे, वो बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में न्यूट्रिशन इन एनिमल. कल जो हमने बात किया, वो बात किया था प्लांट्स के अंदर. अब बात करेंगे हम एनिमल्स के अंदर. एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर डिस्कसिंग ऑन थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बेस के अकॉर्डिंग एनिमल्स को थ्री टाइप्स में डिवाइडेड किया है. एक तो होता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस. सेकेंड होता है कार्निवोरस. एंड थर्ड होता है ओमनीवोरस. स्टूडेंट्स, यू आर स्टडीइंग योर क्लासेस. हर्बीवोरस ईट हर्ब्स, हर्ब्स ईट हर्ब्स. कार्निवोरस ईट मीट, ईट मीट. एंड ओमनीवोरस ईट ऑल, यानी कि हर एंड में बोथ ऑफ आर ईटिंग ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस. ओनली ईट मीट एंड हर्बीवोरस ओनली ईट हर्ब. हर्ब के एग्जांपल जैसे कि माउस है, डियर है, काउ है. एंड ओनली कार्निवोरस एग्जांपल इज लायन एंड टाइगर. एंड ओमनीवोरस एग्जांपल इज ह्यूमन बींग्स, दिस इज ऑल ऑफ यू. Dog and cat, this is an example of omnivore. This is a simple topic. But next topic is in nutrition in animals. What do you mean of nutrition in animal? Nutrition in animal. Nutrition in animal means nutrition divided in five steps. Nutrition divided in five steps. First, ingestion. First is a ingestion. Second is digestion. Third is a assimilation. Assimilation.
फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन ए बी एसओ आर डी पी आर एंड फिफ्थ इज इजेशन। स्टूडेंट्स इंजेशन डाइजेशन एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन दिस इज ए फाइव स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इंजेशन मीन्स इनटेक फूड एंड माउथ, डाइजेशन डाइजेस्ट लार्ज मॉलिक्यूल material and assimilation get energy and ingestion is waste food material out waste food material. This time ingestion, let's suppose that फूड को मुंह के अंदर लिया, दिस प्रोसेस इज इंजेशन। फूड को डाइजेस्ट हुआ, फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गए, दिस प्रोसेस इज डाइजेशन प्रोसेस। अब फूड से क्या हुआ, हमने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी क्या हुई एब्जॉर्ब हुई, तो दिस प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। एंड इस एनर्जी के एब्जॉर्ब होने के बाद हमें क्या मिली, पूरी बॉडी को एनर्जी गैप गई, तो वो प्रोसेस अमीबा, दिस इज ए अमीबा इज ए बेस्ट एग्जाम्पल अमीबा। स्टूडेंट्स अमीबा के अंदर जो फाइव स्टेप्स होंगी, सबसे पहले मान लो ये स्ट्रक्चर है किसका है, अमीबा, बिकॉज अमीबा इज ए इनलेवल स्ट्रक्चर, अमीबा की इनलेवल स्ट्रक्चर होती है, अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस अमीबा ने क्या किया, इसने सुडोपोडिया इज प्रेजेंट इन अमीबा, सुडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। इस सुडोपोडिया के अंदर क्या आ गया, कोई ये फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स ऊपर आ गया सुडोपोडिया के अंदर। इस सुडोपोडिया में क्या हुआ, एक तरह से सुडोपोडिया ने इंटेक किया इसको फूड कॉम्प्लेक्स में किया, तो ये आपका इंटेक हो गया सुडोपोडिया के अंदर। तो फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन, इंजेशन प्रोसेस हो गई, जैसे फूड एंटर हुआ नेक्स्ट। अब डाइजेशन के प्रोसेस के बाद अब क्या होगा,
डाइजेशन प्रोसेस के बाद ये जो अमीबा है वो क्या करेगा, इसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसे मेटेरियल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये मेटेरियल जब एब्जॉर्ब हो गया थर्ड स्टेप में, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, इसे अमीबा को एनर्जी मिला, तो ये क्या हो गया, एसिमिलेशन प्रोसेस। और लास्ट स्टेप में इस अमीबा ने उस फूड पार्टिकल्स को क्या, जो वेस्टेज फूड पार्टिकल्स है उसको क्या करके बॉडी से बाहर कर दिया, तो ये प्रोसेस क्या होगी, इजेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन प्रोसेस। यानी अमीबा के अंदर सबसे पहले इजेशन हुआ, फूड पार्टिकल्स को सिटोकोरिया के जरिए से इंटेक किया, फिर इसको क्या किया, डाइजेस्ट किया। इसके अंदर कुछ एंजाइमेटिक पाए जाते हैं अमीबा के अंदर, जिससे क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। फिर थर्ड कंडीशन में उससे क्या होगा, एक तरह से जो फूड पार्टिकल्स है वो टूट जाएंगे डाइजेशन से, उनको एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड होगी इसके अंदर। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एसिमिलेशन, और फिफ्थ स्टेप में क्या हो गया, जो वेस्टेज फूड मटेरियल है जो अमीबा के कोई यूजेबल नहीं है वो क्या हो गया, बॉडी से बाहर हो गया। इस प्रोसेस को क्या होगा, इजेशन प्रोसेस। वो इस फाइव स्टेप्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी, हुई, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के अंदर है, एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरत होती है। यानी ह्यूमन के अंदर भी ऐसे फाइव स्टेप्स हैं और अमीबा के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर सुडोकोरिया की हेल्प से होता है, हमारे अंदर एक सिस्टमेटिक सिस्टम्स होते हैं। इसके अंदर सिस्टम नहीं है, यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। स्टूडेंट्स, तो मेनली आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि न्यूट्रिशन की फाइव स्टेप्स है। इसके डायग्राम के लिए मैं आपको थोड़ा एक डायग्राम और दिखाता हूं। इस टाइप के डायग्राम है, ये अमीबा के डाइजेशन की प्रोसेस को, अमीबा के न्यूट्रिशन की प्रोसेस को शो कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिंपलर एनिमल्स के सिंपलर एनिमल के न्यूट्रिशन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन की प्रोसेस का। स्टूडेंट्स, आई होप दिस टीचिंग मटेरियल एंड दिस टीचिंग मेथड इज ए बेस्ट मटेरियल फॉर यू, एंड आपको समझ आया।